उच्च गति अभ्यास खंड दो, प्रतिलेखन संख्या 129 व 30, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, भारतीय समाज बहुभाषी समाज है और हमारे इस समाज में बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग से मधुर संबंध हैं। स्टॉप। अतः यहाँ बहुभाषिता सहज स्थिति के रूप में स्वीकार्य है। स्टॉप। इस समाज में व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा की यात्रा करता रहता है और ऐसे में एक ही वाक्य में एकाधिक भाषा के तत्वों का समन्वय कर पाता है। स्टॉप। और ऐसे ही अपना कार्य आसान कर लेता है। ओरू टिकट दीजिए। और यह एक पंक्ति राष्ट्रीय एकता के सूत्र में एक और सूत्र बढ़ा देती है। स्टॉप। राष्ट्रीय एकता का संबंध समूह मस्तिष्क से होता है और समूह मस्तिष्क को प्रभावित कौमा संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए संप्रेषणीयता की शक्ति का उपयोग किया जाता है। स्टॉप। विचार भावना एवं व्यवहार को उद्देश्य के अनुकूल जगाने एवं मोड़ने में विशेष प्रभावोत्पादक शब्दों का उपयोग किया जाता है। स्टॉप। विज्ञापनों की भाषा कौमा चुनावों की भाषा कौमा क्रांति की भाषा कौमा आंदोलन की भाषा आदि वाक्यांश भाषा की इसी शक्ति की ओर संकेत करते हैं और यह शक्ति राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने में सर्वाधिक कारगर होती है कौमा हुई भी है। स्टॉप। भाषा समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उस शक्ति की प्रभावोत्पादक को विज्ञापन मिले सुर मेरा तुम्हारा में परखा जा सकता है। स्टॉप। समन्वय राष्ट्र कौमा एकता इन शब्दों का शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है वह है समन्वय विरोध का अभाव कौमा राष्ट्र वह लोक समुदाय जो एक ही राज्य या शान में रहता हुआ एकताबद्ध हो एकता अभिन्नता। स्टॉप। भाषाई समन्वय से तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनकी गरिमा के अनुरूप उनमें दूसरी भाषा के प्रति विरोध का भाव न आने देना कौमा इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का सहज अर्थ लगाया जा सकता है। स्टॉप। वैसी एकता जिसे राष्ट्रीय समुदाय एक दूसरे के प्रति अभिन्न होने के भाव से संचालित करें। स्टॉप। एकता में राष्ट्रीय विशेषण लगना इसे राष्ट्र के अस्तित्व और प्रतिष्ठा से जोड़ देता है और राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा की भूमिका अहम हो जाती है और भाषाई समन्वय का महत्व उठ खड़ा होता है। स्टॉप। पैरा। आज भारत पर एक साथ कौमा एक ही समय कौमा अलग अलग क्षेत्रों में अनेक आक्रमण किए जा रहे हैं। स्टॉप। ये आक्रमण आबादी के भी हैं कौमा और आर्थिक भी। स्टॉप। सांस्कृतिक भी हैं धार्मिक भी। स्टॉप। शिक्षा कौमा साहित्य पर भी हैं और रहन सहन तथा मनोरंजन आदि पर भी। इन आक्रमणों में कुछ परोक्ष हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। स्टॉप। कुछ आक्रमणों से केवल सरकार अवगत है और केवल कुछ का आम आदमी को भी पता है। स्टॉप। आम आदमी जिन आक्रमणों को जानता या नहीं जानता है कौमा जिनसे वह परिचित या अपरिचित है वे हैं संस्कृति कौमा साहित्य कौमा रहन सहन और मनोरंजन के माध्यम से भारतवासियों के मन को गुलाम बनाने के लिए किए जा रहे आक्रमण। स्टॉप। ऐसे में भाषाई समन्वय का संबंध राष्ट्रीय एकता से और गहरा हो गया है। स्टॉप। उपग्रहों के माध्यम से आसमान से उतरती पश्चिमी देशों की उड़न परियां जो सांस्कृतिक हमले
कर रही है, कौमा भाषाई समन्वय के अभाव में उनकी गिरफ्त और भी मजबूत हो जाएगी, स्टॉप पैरा। महोदय, मद्रास में दूरदर्शन भाषाई समन्वय को महत्व नहीं देगा तो अन्य भाषा भी टीवी देखने के प्रति ललक पड़ेंगे, स्टॉप दिल्ली में भाषाई समन्वय को नहीं महत्व दिया जाएगा तो वहां के हिंदी तर भाषी स्टार टीवी के प्रति ललकेंगे, स्टॉप कश्मीर के लोगों को भाषाई समन्वय के कार्यक्रम नहीं मिलेंगे तो वे पाकिस्तानी दूरदर्शन देखेंगे, फिर वे अपनी संस्कृति से कटने लगेंगे, देश के अपने ही एक हिस्से के प्रति, अपने ही अन्य बंधु के प्रति उनमें संवेदन शून्यता भरने लगेगी और फिर लातूर जैसी घटना पर भी वे भाव शून्यता के शिकार होंगे और यह स्थिति राष्ट्रीय विखंडन की जमीन को तैयार कर ही सकती है, स्टॉप भाषाई समन्वय के अभाव में पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचा और बांग्लादेश बना, स्टॉप अपने देश को ही लें, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भाषाई समन्वय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, फलतः देश के अन्य हिस्से में आम आदमी के मन का आक्रोश भड़का जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक रहा, स्टॉप वहीं हजरत बल प्रकरण में हजरत बल को सेना द्वारा रौंद दिए जाने के विदेशी समाचारों के प्रभाव को भाषाई समन्वय के सिद्धांत पर ही हम पूरी तरह रोक पाने में सक्षम रहे, स्टॉप इस प्रकार भाषाई समन्वय के आधार पर उभरी राष्ट्रीय भावना हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए सार्थक सिद्ध होगी, स्टॉप किंतु भाषाई समन्वय किसी अन्य भाषा के मूल्य पर या उसे किनारे रखकर कुछ भाषा विशेष के लोगों को कारण विशेष से खुश करने की धारणा से नहीं की जानी चाहिए, स्टॉप अन्यथा भाषा के क्षेत्र में भी तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा मिलेगा और फिर ऐसा तुष्टिकरण राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध ही चला जाएगा, स्टॉप इसी प्रकार किसी भाषा विशेष के शब्दों को सांप्रदायिक समझने के दृष्टिकोण को पनपने से रोकने का प्रयास आवश्यक है, स्टॉप शब्दों को सांप्रदायिक बनाने अथवा उन्हें किसी भाषा विशेष के प्रतिनिधि मात्र समझने की धारणा को भी बदलना होगा, स्टॉप एक भाषा में से अन्य भाषा के घुल मिल गए लोकप्रिय शब्दों को चुन चुन कर निकाल फेंकने और उसकी जगह जबरदस्ती गड़े गए शब्दों को बिठाने की मानसिकता पर अंकुश लगाना होगा, स्टॉप शब्दों को भाषा विशेष में उनकी लोकप्रियता और उस भाषा के प्रवाह में उनकी उपादेयता पर अधिक जोर देना चाहिए, स्टॉप पैरा समन्वय इस अर्थ में हो और ऐसा हो कि प्रारंभ में आम पंजाबी को भी आतंकवादी मान बैठने वाला एक अन्य भाषा भाषी इस तथ्य से वाकिफ होता है कि वहां का आम सिख भी आतंकवादियों का उतना ही बड़ा विरोधी है जितना वह है, तो फिर क्षण में उसकी धारणा बदल जाती है और उसका चिंतन सक्रिय हो जाता है और फिर वह आतंकवाद के प्रति उनके संघर्ष में खुद को भी शामिल कर लेता है और जब यह तथ्य उसे अपनी भाषा के माध्यम से मालूम हो जाए तो उसका मनोबल और भी ऊंचा हो जाता है और वह राष्ट्र की अखंडता के लिए और भी शक्ति से जूझने लगता है, स्टॉप यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि भाषा के दो पहलू हैं, स्टॉप।